दोस्तों आज है मेरा 81वां दिन मेरे 90 डेज चैलेंज का और कुछ ही दिनों बाद मेरा ये 90 डेज चैलेंज पूरा हो जाएगा। Vivo V29 सीरीज के दो नए 5G फोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। एक फोन है Vivo V29 और दूसरा फोन है Vivo V29 Pro। Vivo V29 इसकी प्राइस है 8GB 128GB 33,000 और 12GB 256GB 37,000 और Vivo V29 Pro इसकी प्राइस है 8GB 256GB 40,000 और 12GB 256GB 43,000। इन दोनों के ऊपर आपको 3,500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये डिस्काउंट 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए ही वैलिड है। इसके बाद हो सकता है डिस्काउंट थोड़ा कम हो जाए। दोनों के बेस वेरिएंट में पूरा 7,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन चलिए देखते हैं कि फीचर्स में भी इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है या फिर नहीं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों ही फोनों के अंदर 6.78 इंच की कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और 7.46 mm की थिकनेस दोनों ही फोनों के अंदर मिल जाती है, और वजन भी लगभग बराबर ही है। 186 से 188 ग्राम में इन दोनों का वजन लगभग बराबर ही मिल जाता है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑब्वियसली वो दोनों ही फोनों के अंदर दिया गया है। साथ ही 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दोनों फोनों के अंदर मिल जाती है, यानी कि आप घर के अंदर या फिर घर के बाहर धूप के अंदर इस फोन को यूज करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ 4600 mAh की बैटरी और 80 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर दोनों ही फोनों के अंदर हमें मिल जाएगा। कैमरास की बात करें तो दोनों फोनों के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा सेंसर तो दोनों ही फोनों के अंदर 15 मेगापिक्सल का है, वो भी OIS के सपोर्ट के साथ। लेकिन हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस जो कि मिलेगा वो ये कि 12 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा V29 Pro के अंदर मिलता है, लेकिन वही V29 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक बूके कैमरा मिल जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों फोनों के कैमरास में। बाकी सेल्फी कैमरा दोनों फोनों के अंदर सेम मिलता है, यानी कि 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली दोनों फोनों के अंदर 4K के अंदर आप कर पाएंगे। और रही बात प्रोसेसर की, तो Vivo V29 इसके अंदर Snapdragon 778G का 5G प्रोसेसर मिलता है, और वहीं Vivo V29 Pro के अंदर MediaTek का Dimensity 8200 का 4 नैनोमीटर का एक 5G प्रोसेसर मिलता है, और 5G बैंड दोनों ही फोनों के अंदर 8 5G के बैंड मिल जाते हैं। साथ ही फनटच OS 13 के साथ Android 13 दोनों के फोनों के अंदर दिया जाता है। और रही बात अदर फीचर्स की, तो Vivo V29 में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है, V29 Pro में वर्जन 5.3 मिल जाता है। हेडफोन जैक दोनों में से किसी भी फोन के अंदर नहीं मिलता है। स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दोनों ही फोनों के अंदर मिलता है, और दो माइक भी दोनों ही फोनों के अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो फीचर्स के अंदर ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो है प्रोसेसर। V29 में स्नैपड्रैगन का 778G का 5G प्रोसेसर है, और वही V29 Pro में MediaTek का Dimensity 8200 का 5G प्रोसेसर मिल जाता है, और बाकी सब फीचर्स लगभग सेम टू सेम ही मिल जाते हैं। डिस्प्ले दोनों फोनों के अंदर सेम मिल जाती है, कैमरा भी लगभग दोनों के अंदर सेम मिल जाता है, सेल्फी कैमरा भी दोनों के अंदर सेम है, और बाकी फीचर्स भी लगभग बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर आपको इन दोनों फोनों में से एक फोन खरीदना हो और अगर आपका बजट 30,000 के आसपास हो तो आप Vivo V29 की तरफ जाइए। और हाँ, अगर आपके पास ज्यादा ही कुछ अंधा पैसा है तो Vivo V29 Pro को आप खरीद सकते हैं।